नमस्कार माँ अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी से बने हुए गुलाब जामुन। चलिए देखते हैं सूजी से बने हुए गुलाब जामुन जो ना फटेंगे और ना ही चपटे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आइए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके चारों तरफ घी लगा लेंगे, ऐसे जैसे वीडियो में दिखाया गया है। अब इसमें 2 कप दूध डालेंगे और एक उबाल आने देंगे। और इसमें हम 2 पिंच केसर डालेंगे। देखिए अब उबाल आ चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 बाउल सूजी का। ये बारीक वाली सूजी लेनी है, सूजी मार्केट में 2 तरह की आती है, हमें बारीक वाली सूजी लेनी है। जैसे जैसे सूजी डालते जाएं इसको मिलाते रहिएगा वरना लम्स बन जाएंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि लम्स बने नहीं। अब इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर सारा इकट्ठा हो तब इसे पका लेंगे। देखिए जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको। अब इस बेटर को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें चीनी डालेंगे 1.5 कप और 2 बाउल पानी लेंगे, जिससे हमने चीनी का मेज़रमेंट किया है उसी बाउल से हमें पानी का भी मेज़रमेंट करना है। और फिर इसे इस तरीके से मिलाएंगे और इस चाशनी को हम लगातार चलाएंगे। फिर उबाल आने के बाद इसमें हम 2 पिंच केसर डाल देंगे, फिर से मिलाएंगे और 2 पिंच इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें तार वाली चाशनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ चिपचिप वाली चाशनी चाहिए। और हमारी अब चाशनी तैयार हो चुकी है। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम घी गरम कर लेंगे, घी को ज़्यादा गरम नहीं करना है। और ये जो बैटर है उसको हम इस तरीके से मसल मसल कर चिकना बना लेंगे। थोड़ा सा घी डाल लेंगे और फिर इसे हम मसलेंगे अच्छे से ताकि ये चिकना हो जाए। अब हम लेमन के साइज की इसकी गोलियां बना लेंगे। देखिए और गोलियां बनने के बाद हम इन गोलियों को धीरे धीरे कढ़ाई में डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से हम इसको धीरे धीरे पलट लेंगे। देखिए जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। थोड़े सिकने के बाद हम कलछी से इस तरीके से घुमा लेंगे हल्के हाथों से। ये थोड़ा वीडियो फास्ट कर रखा है मैंने। और देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सिक चुके हैं और सिकने के बाद इन्हें तुरंत ही चाशनी के अंदर डाल देंगे और इसे 40 मिनट तक चाशनी के अंदर डुबोए रखेंगे जिससे गुलाब जामुन चाशनी पी ले। और लीजिए हमारे बेहद ही टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन रेडी है। देखिए मैं स्पून की हेल्प से इसको काट के दिखा रही हूँ आपको कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।